रांची की रहने वाली रिया नंदनी ने फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है। आज रांची के प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित करते हुए रिया नंदनी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को दिया है। उन्होंने कहा है कि आज जो भी कुछ वो हैं अपने गुरुजनों और माता पिता के आशीर्वाद से हैं। बता दें कि कोलकाता में आयोजित हुए इस कॉन्टेस्ट में झारखंड की 70 युवतियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें रिया ने बाजी मार ली। फिलहाल रिया नंदनी मुंबई में रहकर तैयारी कर रही हैं। वर्तमान में वो कई टीवी सीरियल्स में बतौर कलाकार अपने अभिनय का जलवा बिखेर चुकी हैं। रिया के पिता झारखंड पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर हैं। रिया के खिताब जीतने के बाद उनके परिजनों में भी खुशी की लहर है। श्रेय तो मैं इसी का देना चाहूंगी कि इसकी, क्योंकि इसकी मेहनत ही इतने अच्छे से ये किया था कि आज ये यहाँ पे है। बहुत ही अच्छे से मेहनत की है। जैसे नंदिनी ने बताया कि आप बच्चे में इसको मैंने कहानी सुना रही थी ऐश्वर्या राय वगैरह का, तो आपको ये चीज कहाँ से मिला? यानी आप या फिल्म वगैरह से थोड़ा इंटरेस्ट लेती होंगी? नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल काफी इंटरेस्टेड है, क्योंकि अपने टाइम में भी जब मम्मा स्कूल जाया करती थी तो वो बहुत अच्छी सिंगर थी। अच्छा। और उनको काफी लोगों ने ऐसा सजेस्ट किया था कि आप इंडियन आइडल और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स में ट्राई करें, बट क्योंकि उस समय फैमिली की कुछ सिचुएशन ऐसी थी तो वो कर नहीं पाई, इसीलिए वो जो उनका एक ड्रीम था और एक जो उनका शौक था वो उन्होंने मेरे थ्रू देखा आगे कि कैसे उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं मिलकर। आपसे सवाल है कि आज भी लड़कियों को हमारे समाज में जो इस टाइप के प्रोफेशन में जाते हैं तो बहुत ही गलत निगाह से देखते हैं, ये बहुत ही मैंने अजीब सवाल भी है लेकिन ये सच्चाई है, तो आपको कैसा लगता है कि बेटी जब इस मुकाम में आए तो खास करके माँ को कैसा फील होता होगा, और आपको क्या समाज में कभी इस तरह का फेस करना पड़ा कि बेटी मॉडलिंग में जा रही है तो कोई आसपास के लोग या ये कि बेटी को कहाँ भेज रहे हैं? आसपास तो छोड़िए, घर पे ही बहुत लोगों को सवाल का जवाब देना पड़ता है कि नहीं पढ़ाई लिखाई छोड़कर आप ये क्या करवा रहे हो, क्यों कर रहे हो। जैसे पहले के लोग जो भी है, जैसे दादी हो गई तो बोलती है नहीं नहीं पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, नौकरी करे वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बच्चों का भी एक अपना ड्रीम होता है, तो जब उसमें वो बोली कि नहीं मुझे इसमें आगे पढ़ना है तो मैंने बोला ठीक है करके देखो। और माइंड सेट तो किसी का आप बदल नहीं सकते हो, समाज में कितना भी अच्छा कोई करे हर किसी को खुश नहीं रख सकते, वो एक अपना बना हुआ है लोगों का। तो देखिए आज ये कर रही है और आगे और भी अच्छा करेगी, भारत का नाम रोशन करेगी, आप लोग का सब